हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन द बंगनाड़ी बायोलॉजी क्लासेस। स्टूडेंट, हम लोग डेली वीडियो अपलोड कर रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं आपके लिए, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही फायदेमंद होंगे। और नीट का जो स्कोर है आपका, ये वीडियो देखने के बाद बहुत अच्छा हो पाएगा। तो यहाँ पे आपको जो क्वेश्चन दिया है या पॉइंट दिया है कि कैसे मोनोहाइब्रिड क्रॉस जो है उसका मल्टीप्लाई करने के बाद डायहाइब्रिड क्रॉस बनता है, या फिर डायहाइब्रिड क्रॉस इज आल्सो कॉल्ड एज डायहाइब्रिड क्रॉस इज कंसिडर्ड एज अ डबल मोनोहाइब्रिड क्रॉस। तो यहाँ पे आपको यहाँ पे मोनोहाइब्रिड क्रॉस दिया है। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस? द क्रॉस बिटवीन टू प्योर पेरेंट्स डिफरिंग इन वन पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। ओके, यहाँ पे वन पेयर कंसिडर कर रहे जिसका अपन कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर का, तो उसको अपन बोलते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस। और मोनोहाइब्रिड क्रॉस में अपन अगर यहाँ पे क्रॉस कर रहे हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस, तो यहाँ पे हमने पेरेंट लिए है। व्हाट इज दिस? पेरेंट लिए है तो इसका F1 आएगा ये, और F2 में क्या आएगा, ये रेशो आएगा, मतलब जीनोटाइपिक रेशो आएगा 1:2:1। और फिनोटाइपिक रेशो जो आएगा F2 जनरेशन में, दैट इज 3:1 आएगा। दिस इज अबाउट मोनोहाइब्रिड क्रॉस। अभी मोनोहाइब्रिड क्रॉस को अपन अगर डायहाइब्रिड क्रॉस में कन्वर्ट करते हैं, तो डायहाइब्रिड क्रॉस की डेफिनेशन क्या है? डायहाइब्रिड क्रॉस की डेफिनेशन ये है, द क्रॉस बिटवीन टू प्योर पेरेंट्स डिफरिंग इन टू पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। ध्यान से पढ़ो, टू पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, मैंने यहाँ पे टू पेयर लिए है। इधर कितने पेयर लिया था? एक पेयर लिया था, दैट इज टॉल इंटू डॉर्फ, मतलब कैपिटल टी इंटू स्मॉल टी, मतलब वन पेयर लिया था ना। और यहाँ पे क्या ले रहा हूँ? टू पेयर ले रहा हूँ, दैट इज येलो राउंड, दैट इज कैपिटल वाई कैपिटल आर। यहाँ पे टू पेयर ले रहा हूँ और इधर भी टू पेयर, तो टू पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर लोगे। वन पेयर लिया तो क्या आ गया? मोनोहाइब्रिड क्रॉस। और यहाँ पे अपन क्या ले रहे हैं? टू पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर ले रहे हैं। तो यहाँ पे आपको यहाँ पे जो रेशो आने वाले हैं देखेंगे, पहले हम कंसिडर करेंगे डायहाइब्रिड क्रॉस जो है, डबल मोनोहाइब्रिड क्रॉस कैसे है। यहाँ पे अगर हम सिंगल ट्रेड कंसिडर करके ले निकालेंगे वाई का जीनोटाइप लेने के बाद, तो कैपिटल वाई स्मॉल वाई का जो F1 आ रहा है आपको, तो ये F1 ही आता है। और F2 जो आता है, F2 में 1:2:1 आता है, दैट 3:1। बाद में RR का कैरेक्टर लेते हैं हम लोग, कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर, तो यहाँ पे भी रेशियो जो आ रहा है 1:2:1 आ रहा है। जीनोटाइप रेशियो और फिनोटाइप रेशियो जो आ रहा है 3:1। तो हम यहाँ पे अगर 3:1 × 3:1 करेंगे, तो आपका जो रेशियो आता है 9:3:3:1, दैट इज डबल मोनोहाइब्रिड क्रॉस यहाँ पे आप कंसिडर कर रहे हैं। और यहाँ पे आप देखोगे 9:3 मतलब 3:1 है, और ये भी 3:1 है। ओके, और यहाँ पे 1:2:1 × 1:2:1 अगर मल्टीप्लाई करोगे, तो आपका जो जीनोटाइप रेशियो आता है डायहाइब्रिड क्रॉस का, ये आता है 1:2:2 × 1:2:2 × 1:2:4 × 1:2:1, यानी 12 42 12 1। सो दैट इज नंबर ऑफ इंडिविजुअल जो है, दैट इज 16 इंडिविजुअल आपने को मिलने वाले हैं। कहाँ पे? F2 जनरेशन में नंबर ऑफ इंडिविजुअल कितने मिलने वाले हैं? दैट इज 16 इंडिविजुअल मिलने वाले हैं। सो दिस इज अबाउट योर क्रॉस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।